कांग्रेस के टिकट सोनिया के हाथ। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर आपके सामने। हिमाचल कांग्रेस ने चुनावों के दौरान टिकट की कलह से बचने के लिए सोनिया गांधी को सारी शक्तियां देकर बगावत से पिंड छुड़ा लिया है। अब सोनिया गांधी का फैसला सभी के लिए अंतिम फैसला होगा। उधर रामलाल ठाकुर ने फिर से तीखे तेवर दिखाकर पार्टी को आईना दिखा दिया है। वहीं मंडी में पीएम की रैली की तैयारियों के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। क्या है हिमाचल का चुनावी माहौल और आगे कैसे करवट लेगी प्रदेश की सियासत, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कांग्रेस की तलखी में तेजी, राजेश, कांग्रेस तलख हो रही है जी। लेकिन उससे पहले हम जरा शुरुआत करेंगे भाजपा से। भाजपा, चाहे आप संगठन ले लीजिए चाहे सरकार ले लीजिए, राजेश, बिल्कुल स्मूथ दिखा है सारा 5 साल का कार्यकाल। सिर्फ एक चीज खटकती रही, एक सवाल बना रहा भाजपा के लिए, मंडी के विधायक अनिल शर्मा जी, यही है राजेश। बिल्कुल, कभी उनका भाजपा के नजदीक आना और ज्यादातर दूर दिखना, मंत्री पद उनका गया, सारा कुछ गया, सब जानते हैं उसके ऊपर। आज फिर से एक अलग अंदाज दिखा अनिल शर्मा साहब का, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, उनके ही गृह क्षेत्र में, उनके विधानसभा क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री थे राजेश। वहां पे क्या कहा अनिल शर्मा ने और वो क्या इशारा देता है? बिल्कुल, देखिए बदले हुए अंदाज में अनिल शर्मा आज नजर आए मंडी सदर के, बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का उनके विधानसभा क्षेत्र कोटली में था और कोटली में जो कार्यक्रम था वहां, क्योंकि जो जब मंच अनिल शर्मा को मिला और एक मंच पे जब अनिल शर्मा और मुख्यमंत्री आए तो कार्यकर्ता में पहली बार इतना जोश दिखा कि वहां उनके समर्थन में नारेबाजी हुई है। इससे पहले अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं ने भी उनसे एक तरह से दूरी बना ली थी। अनिल शर्मा को जब मौका मिला तो उन्होंने एक तो अपनी व्यथा और पीड़ा, चाहे जितना भी है, उन्होंने वह उस मंच का भरपूर इस्तेमाल किया। साथ ही साथ उन्होंने अगले जो संकेत दिए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो माथे पे एक शिकन लग रही थी मंडी सदर की सीट को लेकर, वो दूर होती हुई बातें नजर आ रही है। अनिल शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पे अपने करियर को लेकर पूरा दारोमदार वहां छोड़ दिया उनके ऊपर कि जो भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अब फैसला लेंगे, अनिल शर्मा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के वहां खड़े हो जाएंगे। क्योंकि उन्होंने साथ ही ये कहा है अग्निहोत्री जी कि जो पहले हुआ वो आगे नहीं होगा और फिर नई शुरुआत तभी हो सकती है जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस बात की गारंटी उनको देते हैं। तो इस तरह की शर्त भी है, लेकिन जो संकेत मिले हैं वो संकेत मंडी में जो बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अनिल शर्मा के बीच हुई थी उसके बाद ऐसा लग रहा है कि दोनों में जो बर्फ एक जम रही थी वो बर्फ अब पिघलती हुई नजर आ रही है, जिसके संकेत आज मिल गए हैं। संकेत भी, और एक तरह से देखिए कि स्पष्ट ही कह दिया अनिल शर्मा साहब ने कि जी मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं तैयार हूं जी। अब देखते हैं आगे, हालांकि बदलाव दिखता रहा है अतीत में भी, कुछ नजदीकियों के बाद दूरियां बनती रही है, लेकिन अब भाजपा को उम्मीद है कि इलेक्शन के इतने नजदीक आके अगर अनिल शर्मा साहब का यह बदला है एटीट्यूड दोबारा से पार्टी या पार्टी नेतृत्व के प्रति, तो ये अच्छा ही है। बिल्कुल राजेश, अच्छा समय बहुत ले चुके हम, लेकिन फिर भी जो प्रश्न है वो तो है ही है राजेश। 75 वर्ष पर आयोजित जो हिमाचल की फॉर्मेशन के है उस पर आयोजित हुआ था कार्यक्रम कोटली में आज अनिल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र मंडी शहर के साथ जो है। बिल्कुल, क्या कहा मुख्यमंत्री ने इस दौरान? बिल्कुल सही है, देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक तो वहां उपलब्धियां अपनी सरकार की गिनाई है, विकास योजनाओं को लेकर उन्होंने जो वहां जितने भी विकास योजनाएं हैं उनका हवाला दिया है। मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली होने जा रही है 24 सितंबर को, जनता को एक तरह से न्योता भी उन्होंने दिया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं के लिए आभार मुख्यमंत्री जयराम, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया है। इसके अलावा कांग्रेस पे निशाना साधा है, जिस तरह का कांग्रेस प्रदेश भर में आरोप लगाया कि माहौल बिगाड़ने की एक कोशिश हो रही है, उसको लेकर ताबड़तोड़ हमले कांग्रेस पे भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोटली की उस जनसभा से, उस मंच से किए हैं। जी राजेश, बिल्कुल सही है, ऐसा ही हुआ आज और काफी भीड़ भी थी इस कार्यक्रम में। अच्छा राजेश, एक और चीज देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने जा रही है 24 सितंबर को। बिल्कुल, आज 19 तारीख हो गई है, पीएम साहब वहां थे, चलिए वो कांगड़ा भी आए फिर लौट गए, अब उनको बीच में एक दिन शायद दिल्ली जाना है, आप बता रहे थे जी। बाकी समय मुख्यमंत्री जो हैं वो रहेंगे मंडी में, सरकार चलेगी मंडी से। सही। अच्छा, एक सवाल बार बार उठता है राजेश कि ऐसी क्या वजह है कि प्रधानमंत्री जितनी बार भी हिमाचल आए उसमें अधिकतर समय वो मंडी आए जी, है ना? सही। अच्छा, मंडी ही क्यों आते हैं, क्या वजह है इसकी, जरा इसमें तर्क क्या है इस चीज के पीछे? बिल्कुल सही, देखिए राज क्या छुपा। बिल्कुल देखिए, 5वीं रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंडी में होने जा रही है पीएम बनने के बाद। पीएम बनने के बाद, और खास वजह इसकी अगर हम देखते हैं तो दो वजहें इसकी खास वहां नजर आ रही हैं। पहली तो ये कि जिस तरह से लंबे कार्यकाल के वक्त जब भाजपा के पदाधिकारी संगठन में नरेंद्र मोदी साहब हुआ करते थे
उस दौरान की यादें उनकी मंडी जिला से भी जुड़ी हैं, कुल्लू जिला से भी जुड़ी हैं, इसलिए एक लगाव का कारण वो हो सकता है। दूसरी जो वजह है वो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का, क्योंकि ये गृह जिला है और वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उनके जिला में ही बहुत ज्यादा मजबूत करने जा रहे हैं, ताकि क्योंकि बीजेपी का चेहरा इन चुनावों में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर होने जा रहे हैं, तो पीछे उन्हें किसी प्रकार की टेंशन ना हो, इसीलिए बीजेपी का आलाकमान वहां जुटा हुआ है। एक और वजह अगर हम देखें तो क्योंकि मंडी की पिछले 2017 की बात करें तो इतिहास में पहली बार हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 9 सीटें मंडी की जीती थी और एक जो सीट मंडी की थी वो निर्दलीय विधायक ने जीती थी। कांग्रेस का पूरी तरह से वहां से सूपड़ा साफ हो गया था और उसी मोमेंटम को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री इस तरह की रैलियां अपनी मंडी के ऐतिहासिक उस पड्डल मैदान में कर रहे हैं। एक तरह से लक्की बीजेपी उस पड्डल मैदान को मान रही है। जी बिल्कुल सही है। और आप 4 सीटें अगर कुल्लू की भी जोड़ लें कि भौगोलिक दृष्टि से वो भी बैठती हैं, तो सीटें 14 हो सकती हैं। लाहौल को भी आप जोड़ना चाहें तो वो भी जोड़ लेते हैं। बिल्कुल। तो ये एक तर्क जो है वो दिया जा सकता है कि इसीलिए पड्डल, क्योंकि अदरवाइज पहले तो ये रैली प्रस्तावित थी सुजानपुर में जो रिलेटिवली ज्यादा बड़ा मैदान है, जहां पे ज्यादा लोग हो सकते हैं पड्डल मैदान से। राजेश, अब कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। आज कांग्रेस के बड़े नेता काफी सक्रिय दिखे जी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के, क्या कारण क्या है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए अगर हम कहें तो बहुत आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहा अग्निहोत्री जी। पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, चुनाव प्रबंधन समिति के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजह अगर हम देखते हैं तो बीजेपी जिस तरह का माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर बनाने की कोशिश कर रही है प्रदेश में, उसी को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने एक तरह से जवाबी हमला बीजेपी पे वहां इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोल दिया है। दूसरी वजह देखते हैं तो संगठन को एकजुट करने के लिए, कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए एक तरह से तीनों जो बड़े नेता हैं वो आगे आए हैं। और अगर तीसरी वजह देखें तो फिर पार्टी आलाकमान को संदेश दिया जा रहा है कि हिमाचल कांग्रेस में ऑल इज वेल वाली स्थिति है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ताज बदल के रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही दिखती है कि जो मोदी साहब को लेकर अब किक स्टार्ट होना है भाजपा का ये चुनाव प्रचार, एक तरह से अभी चुनाव की अधिसूचना से पहले पहले, इसमें ये भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री शायद कुछ दे ही जाए बड़ा, लेकिन उससे पहले ये जो एक माहौल है उसमें पंक्चर करने की कोशिश मानी जा रही है। एक्सपर्ट ऐसा मान रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा करना चाहती है और ये अलाउड भी है, राजेश चुनावी माहौल में तो ऐसा होता ही है। अच्छा जी, एक और चीज कांग्रेस की ही करें तो आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक थी कांग्रेस प्रदेश में, इसलिए भी ज्यादा नजरें टिकी हुई थी कि रामलाल ठाकुर साहब प्रेसाइड कर रहे थे इस मीटिंग, वही तो अध्यक्ष है ना जिसके, और पिछले दिनों वो नाराज हुए, वो भावक हुए सबके सामने जी, कैसी रही है मीटिंग? बिल्कुल सही है। देखिए चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक कांग्रेस की हो गई है और बैठक में जिस तरह का टिकट आवंटन को लेकर एक तरह से पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनको हिमाचल कांग्रेस ने अधिकृत कर दिया है। अब इसी बैठक में फैसला हुआ कि हिमाचल के कांग्रेस के टिकट को लेकर जितना जो भी फैसले होंगे सोनिया गांधी लेंगी और उसी में फिर सहमति सबकी इसमें बनने जा रही है। इसके बाद रामलाल ठाकुर को अगर हम देखते हैं अग्निहोत्री जी, तो उन्होंने कांग्रेस को एक तरह से 5 तरह की चीजें कांग्रेस को लेकर आज कही हैं उन्होंने। पहली, उन्होंने पार्टी की भीतर की असलियत खोल के वहां रख दी है कि पार्टी में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो भी उनको गलत लगा पार्टी हाईकमान को उन्होंने बता दिया है, फैसला हाईकमान अब आगे लेने जा रहा है। वजह इन्होंने बता दी है कि उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि बिल्कुल राजस्थान के चिंतन शिविर में यह फैसला हुआ था, जिसका हवाला उन्होंने दिया कि कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ जो नेता हैं उनको सिर्फ जिनके पास 2-2 पद हैं उनको एक पद पे रहना है, इसलिए उनका हवाला दिया। तीसरी अगर वजह देखें तो सवाल भी उन्होंने कुछ खड़े कर दिए कि कांग्रेस के संगठन में जिस तरह का विस्तार हुआ है अग्निहोत्री जी, उन्होंने यह कहा कि 38 से 40 उपाध्यक्ष पार्टी ने बना दिए हैं, 45 महासचिव बनाए गए हैं, तो यह परंपरा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा लंबी ओहदेदारों की फौज पार्टी के लिए घातक है। इसके अलावा बिल्कुल 2 तरह की चीजें उन्होंने आगे और भी कही है अग्निहोत्री जी, जिसमें सलाह एक पार्टी को दी गई है कि अभी चुनाव क्योंकि है तो कांग्रेस को सीएम का चेहरा घोषित नहीं करना
करना चाहिए, अगर पार्टी रामलाल ठाकुर की राय मानती है तो चेहरा घोषित ना करें। जी, जी। और पांचवी जो बात उन्होंने कही है वो नैना देवी विधानसभा हल्के से चुनाव लड़ने या ना लड़ने को लेकर कही गई है। उन्होंने यह कहा कि पार्टी अगर चाहेगी तो रामलाल ठाकुर चुनाव लड़ेंगे, पार्टी अगर नहीं चाहेगी तो रामलाल ठाकुर चुनाव नहीं लड़ेंगे, और पार्टी जिसको टिकट देगी रामलाल ठाकुर उसके पक्ष में प्रचार करेंगे क्योंकि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। तो पांच तरह के यानी कि एक पंच कांग्रेस को उन्होंने आज दे दिया है, चाहे इसे बूस्टर डोज समझा जाए या फिर आईना समझा जाए, कांग्रेस के अबूते की बात है। जी राजेश, बिल्कुल सही है, चार चीजें वही कही जो किसी समिति के अध्यक्ष को कहनी चाहिए, लेकिन जो पांचवी बात कही है सच में ही उसमें पंच है। बिल्कुल, उसमें पंच बहुत गहरा है। अब देखते हैं कांग्रेस को अब मनाने, ऐसा लगता है कि अब मनाने की कोशिश और ज्यादा होंगी। अंतिम बयान जो है उनका वो थोड़ा चौंकाने वाला है पार्टी के लिए भी। अच्छा राजेश, इससे पहले कि सेगमेंट को क्लोज करूं, मैं अलका लांबा जी, फायर ब्रांड, एक महिला नेत्री दिल्ली से, हम हिमाचल के लोग उनको टीवी पे देखते आए थे, सही है, अब उनके बीच में है। आज सुबह सुबह मंडी पहुंच गई, बिल्कुल, और सवेरे सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी 9:30 बजे आक्रामक अंदाज में। बिल्कुल, क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल, इसके पीछे बिल्कुल देखते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है अलका लांबा कांग्रेस की अग्निहोत्री जी, और लगातार हमलावर रुख रहती हैं, आक्रामक नेता तर्क के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, तर्क मंडी में आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और तर्क जो उन्होंने वहां दिया है गजब का तर्क दिया है। उन्होंने ये कहा है कि भाजपा के लिए 8 साल पहले यानी कि 2014 से पहले महंगाई डायन होती थी, 8 साल में वो उनके लिए डार्लिंग बन गई है, इसीलिए बीजेपी अब महंगाई के मुद्दे से हर बार बचने की कोशिश करती है, कोई चर्चा भारतीय जनता पार्टी उस पर नहीं करती है। बेरोजगारी का मसला उन्होंने वहां उछाला, साथ ही साथ प्रदेश की आर्थिक स्थिति का मसला वहां उछाला, कांग्रेस के विजन की उन्होंने बात कही और भाजपा को लेकर बहुत उनकी योजनाओं पे सवाल उन्होंने एक तरह से खड़े कर दिए। मंडी वो पहुंची है तो मंडी पहुंचने का मतलब है कि 24 सितंबर को जो रैली बीजेपी वहां प्रधानमंत्री की करने जा रही है, उसी रैली के एक तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, उस रैली या उस माहौल से उनको बचाने के लिए बहुत बड़ा ये महत्वपूर्ण बयान उनका अलका लांबा का मंडी से सामने आया है। बिल्कुल राजेश, और बयान से भी ज्यादा कई बार शब्द कैची होते हैं। ये जो डायन बनाम डार्लिंग वाली बात उन्होंने कही है, ये लगता है कांग्रेस यूज करने वाली है आगे, शब्द सुनाई देंगे, देखिएगा आप चुनाव प्रचार में आपको। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या कहती है अलका लांबा जी, वो भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है अलग से इस पूरे चुनाव अभियान में हिमाचल के में। हम नजर रखेंगे उनके बयानों पर जो भी होगा।